का मुत्तफ़का ऐलान सोमवार के रोज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आगे मुल्क भर का आवाम और हमारे पार्टी के एक एक कारकुन घर से निकलेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरा फलाना काम है, मैं इसके लिए रुक रहा हूं। उसको सब कुछ छोड़कर इस्लामाबाद की तरफ आना होगा। और कि अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, किसी ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा और थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। और दूसरा सवाल जो आज जेरे बहस है वो है मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगने के हवाले से क्या सोचती है हुकूमत। कल मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर साहब बड़े सीरियस हैं, संजीदा मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया, उसके बाद जाहिर है इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहसों वासा चल रहा है। अगर हालात ने ये डिमांड किया और ये फैसला कभी ना कर सकती है, अगर हालात ने ये डिमांड किया तो इमरजेंसी भी लग सकती। अच्छा, शाम से जब से मौलाना फजल रहमान साहब ने ये फैसला किया है कि पीडीएम ये एहतजाज करने जा रही है सोमवार वाले दिन, वो हमें प्रेशर तो नजर आ रहा है। जाहिर है वो 14 मई को बाद वो जो फैसला है उसके बाद टाइम ओवर हो जाएगा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ तो बताना है। 15 मई को मेरे ख्याल में वो डेट फिक्स हो गई है। अब इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 भी लगी हुई है, इस्लामाबाद के अंदर आर्टिकल 245 के तहत फौज भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, वो रेड जोन भी है, तो जरा थोड़ा समझाइए ये क्या होने जा रहा है। देखें, 245 इन्होंने खुद लगाया, ये हुकूमत का हिस्सा है, खुद हुकूमत है पीडीएम, और साथ ही उन्होंने 144 लगाई हुई है कि कोई 4 से ज्यादा बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, रास्ते सारे ब्लॉक होंगे। वो कहते हैं डंडों का इस्तेमाल करेंगे, मुक्कों का इस्तेमाल करेंगे, थप्पड़ों का इस्तेमाल करेंगे और यहां हम पहुंचे के देखें कौन रोकता है हमें और गोली का क्या मतलब है, मैसेज क्या देना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको क्या कह रही है, आईन के मुताबिक चलें। आईन कहता है 90 डेज में इलेक्शन कराएं, आप कराएं। आईन कहता है आर्टिकल 220 के तहत फैसिलिटेट करें इलेक्शन कमीशन को। मुझे ये बता रहा था कि उन्होंने कहा जी चूंकि जो चीफ जस्टिस उमर अता बनियाल साहब हैं शरीफ उन नफ्स हैं, तहमुल से बात करते हैं, वो एक हर बंदे से मुस्कुरा के बात करते हैं, तो ये उनकी मुस्कुराहट, उनका शरीफ उन नफ्स होना, उनका जो है बिल्कुल हर बंदे को इज्जत देना, वो थोड़ा मेरे ख्याल में लग रहा है कि वो ना गुमन साहब मैं हजम नहीं बात को आगे बढ़ाऊंगा। जितने वो बजाहर बहुत हलीम तबीयत के हैं, उतने अंदर से वो स्ट्रांग हैं, वो आईन और कानून की बालादस्ती की ही कोई कुर्बानी भी दे देंगे। पिछले दिन उन्होंने कह दिया कि जी हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी इस मुल्क करने को तैयार है, मुल्क के खातिर, आईन के खातिर, सरहदों की हिफाजत के लिए हमारे नौजवान कुर्बानी दे रहे हैं। जी चौधरी साहब, सो फिर क्या हासिल करना चाह रहे हैं ये हमारे जो पीडीएम वाले ने तो फैसला किया है। अच्छा, पीडीएम का चौधरी साहब पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं है, वहां पे सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब थे, उनके साथ कोई और बंदा नहीं था। जी हलवे मारने में सारों का हलवा हिस्सा है, छोड़े इन चक्करों को, हम किसी का अपोलोजिस्ट नहीं है, उन्होंने भी इनके जराय में पूरी हिस्सा लिया है। अब इनका एक ही रह गया है कि किसी तरह इलेक्शन ना हो और इनको निकाल के बाहर फेंका जाए, इमरजेंसी लगे या मार्शला लगे या फौज के हवाले हो मुल्क, तो ये अब दे हैव लॉस्ट पॉलिटिकली एंड दे डू नॉट हैव एनी होप लेफ्ट। ये अब चाहते थे कि फौज और पीटीआई को लड़ा दिया जाए, उसमें भी इनकी साजिश ने काम हो गई अल्लाह के फजल से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये आर्टिकल 232 की बातें हो रही हैं, ख्वाजा साहब ने कहा अगर ये मुमकिन है दिस एंड दैट, ये इमरजेंसी लगाना इतना आसान है कि वो लगा देगी उम्मत की? ये मुमकिन ही नहीं है, सदर लगाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये इमरजेंसी के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हिमसेल्फ विल बी सैटिस्फाइड। 232 आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सदर सैटिस्फाइड, बिल्कुल सैटिस्फाई होना बड़ा जरूरी है। तो कैसे कर सकते हैं, असल में ये पीक पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे, जो इनका मंसूबा नाकाम किया है कल सुप्रीम कोर्ट ने, वो तकलीफ है उनको। और दूसरी देखें, जिस तर्ज अमल का ये मुजाहरा कर रहे हैं, ये ट्रिकल डाउन होती है नीचे की आवाम के साथ, पब्लिक के साथ, लोगों के साथ। देखें, आज तो ये पूरे पाकिस्तान में इन्होंने फौज बुला ली, एक दिन के लिए इनके पास नहीं था, इनकी बदनीयती देखें। वो तो शेब शहीन साहब पहले दिन से हमें बताया कि इलेक्शन के हवाले से, वो मेरे पास खबर भी थी, चौहान साहब को भी इस बात का इल्म था कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। और नाजरीन, आपको याद होगा जब पंजाब और केपी की हुकूमत ये इमरान खान साहब तहलील करने जा रहे थे, तो मेरी भी बात हुई इनके कुछ सीनियर लोगों से, चौहान साहब मैंने कहा यार वो कुछ पता तो कर लिया ना इलेक्शन होंगे, नहीं नहीं हमारे तमाम जो इन्होंने कहा कि ये आईनी माहिरीन है। नाजरीन, आईन के मुताबिक तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने ही होने थे, लेकिन जो आप शेब साहब बात कर रहे हैं कि इनकी नीयत पहले दिन से बहुत वाजे थी,
कि हमने मुल्क के अंदर आइन के मुताबिक जो एक तहलील शुदा असेंबली के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए 90 दिन के अंदर। अच्छा, सर जवाब दे दें एक लाइन का। जी जी, टाइम थोड़ा जल्दी कीजिएगा। अब ये आइन को और कानून को पामाल करके मुल्क को डिरेल करने में कामयाब हो जाएंगे इमरान खान पर कोई और हमला करके या उनकी पार्टी पर? इंशाल्लाह, मेरे ख्याल में जो साहब चूंकि अब अदालत के पास है, सारे मामला चले गए अदालत के सामने, इंशाल्लाह उम्मीद हमें अच्छे की रखनी चाहिए नाजरीन।